वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम रिलायंस कैपिटल स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो रिलायंस कैपिटल स्टॉक की बात की जाए तो रिसेंटली देख सकते हैं यहाँ पे रिलायंस कैपिटल में ट्रेडिंग बैन है। तो सबसे पहले हम लोग न्यूज के ऊपर नजर डालेंगे कि कोई लेटेस्ट अपडेट है क्या रिगार्डिंग रिलायंस कैपिटल। तो देख सकते हैं कि लेंडर जो है सेट टू रिकवर सेटलमेंट अमाउंट फॉर रिलायंस होम फाइनेंस। रिलायंस होम फाइनेंस के लिए लेंडर्स यहाँ पे रिकवर सेटलमेंट करने के तैयार है। तो रिसेंटली देख सकते हैं कि अनिल रिलायंस कैपिटल के बाद बिकने जा रही है भारी कर्ज में डूबी अनिल अंबानी की कंपनी। पर रिसेंटली देख सकते कि टोरेंट ने यहाँ पे देख सकते कि रेस जिंकी थी यहाँ पे आप देख सकते। पर हिंदुजा ने फिर से यहाँ पे आप देख सकते कि ऑफर बढ़ाई थी रेस पर। यहाँ पे देख सकते कि फिर से कोई बात सामने नहीं आ चुकी है हिंदुजा के ऑफर के बाद। तो कोई लेटेस्ट अपडेट है क्या उसके ऊपर भी नजर डालेंगे हम लोग रिलायंस कैपिटल के। तो देख सकते कि 27 यानी कल के दिन की यहाँ पे कोई लेटेस्ट अपडेट आ चुका था उसके ऊपर यहाँ पे हम लोग नजर डालेंगे। तो रिसेंटली देख सकते हैं इंटीमेशन रन में यहाँ पे फर्दर 2 आवर लेटर डेटेड 1st ऑफ नवंबर में यहाँ पे आप देख सकते हैं अक्टूबर 1 और नवंबर 11 वी हैव इन्फॉर्म डेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन डिसंबर 27 हैज कंसिडर्ड एंड नोटेड एप्लीकेंट रिसीव फ्रॉम पर्सन बिलोंगिंग टू प्रोमोटो ग्रुप फॉर रिक्लासिफाइंग डैम फ्रॉम प्रोमोटो ग्रुप टू पब्लिक पर्सन टू रेगुलेशन 13 अप्रूव सबमिशन टू द रेगुलेटरी एडवाइजेशन। तो देख सकते हैं तकरीबन कोई खास अपडेट तो नहीं है रिगार्डिंग यहाँ पे रिलायंस कैपिटल स्टॉक। तो देख सकते कि बाकी के डिटेल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि ट्रेडिंग अभी तक यहाँ पे चालू नहीं हो चुके पर जल्दी चालू होने के चांसेस है। जैसे कि यहाँ पे दो कंपनी के बीच यहाँ पे डेस्क बिडिंग चल रही है ज्यादा करके हिंदुजा और टोरेंट। कोई भी जीतेगा तो उसके वो एक्वायर करेगा रिलायंस कैपिटल को।